नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में सशर्त अनुमति कहाँ दी गई है, आप घर से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 20 अप्रैल से जो है कहाँ कहाँ छूट दी गई है और किस किस को छूट दी गई है, साथ ही में जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन भी रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब बात करेंगे लॉकडाउन जो 2.0 है उसमें कहाँ कहाँ छूट मिली है 20 अप्रैल से। ख़ास तौर से ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो दोस्तों, 20 अप्रैल से सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, दूर दूर रहना है, पास नहीं जाना, मास्क लगा के रखना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी होंगी। खेती बाड़ी से जो जुड़े काम हैं उनमें छूट रहेगी, यानी कि जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए जितने भी काम हैं सब सुचारू रूप से चलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और मास्क लगाना बिल्कुल पूरी तरीके से अनिवार्य है। साथ ही में जो खेती बाड़ी से जुड़ी जो दुकानें हैं वो कंटिन्यू खुली रहेंगी। बहुत सारे ज़िलों में जो है खुली रही थी लॉकडाउन के दौरान भी, उनको सशर्त जो है छूट मिली थी। और अगर बात करें सरकारी दफ्तरों की, दोस्तों 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तरों में काम शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर केवल 33% कर्मचारी ही ड्यूटी करेंगे। एक रोस्टर के अनुसार इनके इनका जो है ड्यूटी इनकी लगाई गई है, यानी कि दो दो दिन बांटे गए हैं कर्मचारियों के हिसाब से, दिन बांट दिए गए हैं, उसी दिन वो ड्यूटी पे जाएंगे। यानी कि 100% कर्मचारी नहीं आएंगे सिर्फ दफ्तरों में, 33% ही कर्मचारी आएंगे। साथ ही में आपको इन कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और दूसरी बात करें जो ट्रक रिपेयर की दुकानें हैं, बहुत सारे ट्रक जो हैं लॉकडाउन में फंस गए थे जगह जगह पे, उनके रिपेयरिंग की समस्या आ रही थी, इस वजह से ट्रक रिपेयर की जो दुकानें हैं हाईवेज पे वो उनको पूरी तरीके से खोल दिया गया है, वो खुली रहेंगी और ट्रक रिपेयर होंगे। और साथ ही में जो पंचर वंचर की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। सिंचाई और बिल्डिंग के कार्य, दोस्तों सिंचाई से संबंधित जो दुकानें थी वो भी खुली रहेंगी, और बिल्डिंग से संबंधित, यानी ये सब आप कह सकते हैं कि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई दुकानें हैं ये भी खुली रहेंगी। बिजली मरम्मत के कार्य जो पड़े हुए थे, जो रुक गए थे, उनको चालू किया जाएगा। कारपेंटर है, प्लम्बर है, ये सारी इनको छूट दी गई है, लेकिन शर्त ये है कि मास्क लगा के रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का यानी कि दूरी जरूर से बनाए रखेंगे। हाईवे पर जो ढाबे हैं, जो ट्रक ड्राइवर थे उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी खाने की, तो हाईवे पर जो ढाबे हैं उनको भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब दोस्तों, पाबंदी 3 मई तक कहाँ कहाँ रहेगी, तो दोस्तों सार्वजनिक जो यातायात हैं, सार्वजनिक यातायात वहाँ पे पाबंदी रहेगी। बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, कोई भी यात्राएं जो है नहीं चलेंगी इस दौरान, ये सभी 3 मई तक चलेंगी। 3 मई को निर्णय होगा कि आगे क्या करना है। शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो कोचिंग और शैक्षणिक संस्थान जितने भी सभी बंद रहेंगे, सिनेमाघर, जिम, मॉल, ये भी सब बंद रहेंगे, क्योंकि जो भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वो बंद रखे जाएंगे। ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर के जो है सवाल उठता रहा है, तो दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि जो ज़रूरी उत्पाद हैं उन्हीं की डिलीवरी केवल दी जाए, और जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उनकी डिलीवरी अभी ना दी जाए। सिर्फ गैर जरूरी जो जरूरी उत्पाद हैं उनकी डिलीवरी ई कॉमर्स कंपनियाँ जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब कर सकती हैं। हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे हॉटस्पॉट वो हैं जहाँ पे कोरोना के केसेस मिले हैं, वहाँ पर जो है हॉटस्पॉट वो पूरी तरीके से सीज रहेंगे, और लॉकडाउन के दौरान जो भी गतिविधियाँ वहाँ पर चल रही थी वहीं चलेंगी। और एक चीज़ यहाँ पे निर्णय लिया है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं उन सभी जिलाधिकारियों को छूट दी गई है कि वो किस स्थान पर उनको छूट लेना है, किस स्थान पर नहीं लेना है, कहाँ पे कैसे करना है। तो सभी जिलाधिकारियों ने लगभग जो है अपना पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर दिया है कि किन किन चीज़ों को छूट रहेगी। दोस्तों, कई ज़िलों में पूरी तरीके से पाबंदी लगी हुई है और यूपी के कई ज़िलों में जो है कामकाज शुरू हो चुका है। आप यहाँ दे सकते हैं, कई राज्यों में सशर्त खुला लॉकडाउन, यानी कि 33% कर्मचारी उपस्थित रहेंगे और 50% से ज़्यादा स्टाफ की अनुमति जो है ज़रूरी सेवाओं में नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो पैकेजिंग सामग्री है, कच्चे माल की जो फैक्ट्रियाँ हैं कहीं हैं वो चालू कर दी गई हैं, बिजली मरम्मत के कार्यों को चालू कर दिया गया, किसान से जुड़े जो भी उपकरण की दुकानें हैं वो सब चालू रहेंगी, सिंचाई, बिल्डिंग, अन्य स्टेडियल जो प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना वो सारा शुरू होगा, ट्रक रिपेयर, हाईवे पर ढाबे, ये सब खुले रहेंगे। पाबंदियाँ वहाँ पर हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है और जो कोरोना वायरस से संक्रमित है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा
कि यदि आप बाइक से कहीं भी जा रहे हैं तो पहली बात तो जो कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट है, जहाँ पे कोरोना के मरीज़ मिले हैं, वहाँ तो बिल्कुल आप जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, बाइक पे केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, और अगर फोर व्हीलर की बात करें तो दोस्तों फोर व्हीलर पे दो व्यक्ति जा सकते हैं, एक आपका ड्राइवर है और ड्राइवर के जस्ट अपोजिट पीछे वाली सीट पे एक बंदा जा सकता है, यानी कि सिर्फ दो लोग जो है कार पे जा सकते हैं, इसकी अनुमति दे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बरेली में जो है छूट दे दी गई है, और लखीमपुर खीरी में जो है दफ्तर खुले हैं हुए हैं सिर्फ 33%, शाहजहाँपुर में दफ्तर खुल गए हैं, बदायूं जो है पूरी तरीके से सील है अभी, क्योंकि वहाँ भी कई केसेस मिले हैं, पीलीभीत जो है चालू हो चुका है, कई ये चीज़ें चालू हो चुकी हैं। अब मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ कि लखीमपुर खीरी में किस प्रकार से जिलाधिकारी ने छूट दी है। दोस्तों लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में छूट प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी 19 अप्रैल को जो है यहाँ पे एक नोटिस जारी की गई है और कहाँ कहाँ छूट दी जानी है। आप देख सकते हैं 20 अप्रैल से कहाँ छूट दी जानी है, फ्लोर मिल, राइस मिल, ऑयल मिल, दाल मिल, दुग्ध उत्पादन वितरण, सब्जी, पुरानी जो समय श्रेणी है हर जिले में अलग अलग है वो चलती रहेगी, और फल की दुकानें जो हैं वो चलती रहेंगी। जो भी टाइम निर्धारित किया है गया है उसी टाइम पर चिन्हित किए गए थोक फुटकर जो किराना स्टोर हैं पुरानी समय सारणी के अनुसार, जो चिन्हित किए मेडिकल स्टोर हैं वो भी चलेंगे, बेकरी, ऑनलाइन शॉपिंग, लेकिन जो जरूरी उत्पाद हैं उन्हीं के लिए, कृषि उत्पादन, उससे जुड़े उद्योग, बैंकिंग सुविधा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेट्रोल पंप, LPG, गैस, बड़े निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस वे, हाईवे निर्माण, ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है चालू होंगे। हाईवे पर ट्रक रिपेयर की दुकान, मनरेगा भी चालू कर दिया गया है, मालवाहक यातायात जो ट्रांसपोर्टेशन है मालवाहक वो भी चालू कर दिया गया है, जो जनसेवा केंद्र गांवों में स्थापित हैं वो चालू कर दिए गए हैं, निजी सुरक्षा सेवाएं, वर्दी धारण करना अनिवार्य है, यानी ये जो निजी की जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके लिए वर्दी जरूर है, अनिवार्य है, जो भी वो पहनते हैं उनकी प्राइवेट जो कंपनी देती है। खनन का काम भी जो है जारी रहेगा, ग्रामीण में जो ईंट भट्ठे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, मास्क उत्पादन में लगी इकाइयाँ, पैकेजिंग इकाइयाँ, चीनी मिले, सैनिटाइजर बनाने वाली इकाइयाँ, समाचार पत्रों की आपूर्ति में जो वाहन लगे थे वो चालू कर दिए गए हैं। और दोस्तों 3 पॉइंट जो 4 पॉइंट यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों के अतिरिक्त इकाइयाँ उपायुक्त तो उद्योग के यहाँ आवेदन, यानी यदि कोई भी जो है अपनी इकाई चालू करना चाहता है तो उसको आवेदन करना होगा और जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। जिस भी जिले का है निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन मानक के अनुसार वो चलाई जा सकेंगी अनुमति लेने के बाद। आवागमन है तो बाइक पर एक व्यक्ति, चौपाया वाहन पर दो व्यक्ति ही मान्य हैं। ऐसे वाहन केवल आवश्यक सेवाओं के लिए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी है या पास धारक कोई व्यक्ति है, ई पास बनवा रखा है तो वो जा सकता है। यहाँ पे ध्यान रहे कि सभी कोई भी व्यक्ति ऐसे ही बाइक पे ना घूमे, घर पे रहे, ये सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए एक बंदा बाइक पे और दो चौपाया वाहन पे जा सकते हैं। यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी हो तो जा सकते हैं, या किसी के पास पास है मेडिकल इमरजेंसी का तो वो जा सकता है। तो दोस्तों और साथ ही साथ में जो लखीमपुर खीरी में धौरहरा जो है यहाँ पे कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, तो ये इसको पूरी तरीके से जो वर्तमान व्यवस्था लॉकडाउन में, जो लॉकडाउन फर्स्ट में थी वही लॉकडाउन सेकंड में यहाँ पर जारी रहेगी, यानी वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, जहाँ जहाँ पर जो भी ब्लॉक है या तहसील है जहाँ हॉटस्पॉट है, कोई भी कस्बा हो, वहाँ पर छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, वहाँ पर मरीज मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार सीतापुर की अगर बात करें, सीतापुर पूरी तरीके से अभी सील कर दिया गया, अभी हाल ही में जो है 3 मरीज वहाँ पे और मिले हैं, तो वहाँ मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग 17 हो गई है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जहाँ पे लगातार मरीज मिल रहे हैं वो उनको बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी, उनको जो है उन जिलों को 3 मई तक वेट करना होगा। फिर 3 मई के बाद क्या स्थिति उन जिलों की रहती है इस पर समीक्षा की जाएगी, उसके बाद ही जो है छोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िले हैं वहाँ पे अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो कई जो है ज़िलों में डॉक्टरों के फ़ोन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं जिलाधिकारियों की तरफ से, यदि कोई किसी को दिक्कत होती तो फ़ोन पर परामर्श ले सकता है। और जो भी चीज़ें हैं आप जो है अपनी वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपने ज़िले की वेबसाइट पे जा सकते हैं, district.nic.in पर, वहाँ पे जो भी वहाँ का
नोटिस होगा वो जो है दर्शा दिया गया है, जाकर के आप नोटिस देख सकते हैं किन चीज़ों पे छूट मिली है, उसी के अनुसार आपको चलना है। कोरोना वायरस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, यदि आपको छूट दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हमेशा जो है सड़क पे टहलते रहेंगे। तो अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी शर्तें हैं उनका पालन कीजिए इस लॉकडाउन के दौरान, और 3 मई तक वेट कीजिए। 3 मई को वास्तविक स्थिति का पता चलेगा कि किस प्रकार से और ज़्यादा छूट दी जानी है। जल्दी ही मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।